फिर ये शादी टूटी क्यों, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। धनबाद के पुट्टी थाना अंतर्गत न्यू मैरिन आईएन चंद्रो में लक्ष्मी की बारात आने वाली थी। रात में बारात भी आई, जयमाला के लिए लड़की को लाया गया, लड़का भी आया। जयमाला की रस्म शुरू भी हुई, लेकिन तभी अचानक से दुल्हन ने रस्म को अधूरा छोड़ इस दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और वो वापस अपने कमरे में चली गई। दरअसल लड़का इतने शराब के नशे में था कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा। इस नजारे को देख लड़की ने पूरे समाज के सामने लड़के से शादी से इनकार कर दिया। तो जब लड़का को बोला कि लड़की के हाथ थाम करके स्टेज पर उठाइए, तो मेरा हाथ उठा नहीं पाया। फिर पीछे से कोई हमको बोला कि चढ़ा दिया। फिर लड़का का हम रसगुल्ला जैसे खिलाया, उसका मुंह से ऐसा बदबू आया ना, जैसे हमको उस चीज़ का बर्दाश्त नहीं हुआ। हम सीधे इनकार कर दिया शादी के लिए कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। नशा किया हुआ था, काहे कि अपना ही खुद नहीं संभालने पा रहा था, तो हमको संभाल लेगा। वो थाना में ही हुआ जो हम बोले कि हमको जितना खर्चा हुआ शादी के ही लोग हमको दे। लड़की किसी भी हाल में उस लड़के से शादी नहीं करने की बात कह रही है। लड़की का कहना है जयमाला के समय लड़का नशे में था और इसी वजह से दुल्हन शादी करने से इनकार कर रही है। साथ ही दुल्हन शादी का पूरा खर्च लड़के वाले से मांग रही है। अच्छा जो रस्म है कीजिए, अब तो फंस गए हम लोग। फिर वहाँ से आए बचिया को ले करके, बचिया रोने लगा कि मामी हम नहीं जाएंगे उस घर, नहीं तो हम मर जाएंगे। तुम जो इच्छा है तुमको, तू बोले कि वही होगा, बाकी हम लोग मोहल्ला में सब सपोर्ट करेंगे। उनके बाद हम बच्चे को लाए, उसके बाद उनका पिताजी को बुलाए, उसके बाद लड़का को बुलाए, बोला बाबू आप ऐसे ऐसे हालत में, बोल रहे पूछे पहले बहुत तरह से नहीं बताए, बोला कि हम 5 दिन से उपास हैं, तुम्हें ठीक है तेरा घर में खाना नहीं बनता था। उसके बाद बोली तो उसको सही से निकल ही नहीं रहा, सबको देखा, फिर हम लोग प्रशासन का सहयोग किए। वहीं इस मामले में धनबाद के पुट्टी थाना प्रभारी ने बताया कि गश्ती के दौरान सूचना मिली कि एक शादी समारोह में बारात लेकर आया लड़का भी पूरी तरह से नशे में धुत है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, जिसके बाद लड़की की शिकायत पर शादी करने आए लड़के और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है। न्यू मैरिन में शादी ब्याह हो रहा है, लड़की का नाम था लक्ष्मी, उसी के यहाँ आया हुआ था बराती। लड़का सब जो पहनाया जा रहा था बब्बर माला, उसी समय से नशे में था। जब देखी कि लड़का नशे की हालत में है, तो शादी ब्याह करने से इनकार कर दी। लड़की ने एक मिसाल कायम की है और ये भी दिखा दिया है कि सबको उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। शराब एक सामाजिक बुराई है और इसे ना कहने में ही सबकी भलाई है। साधना न्यूज के लिए धनबाद से कुमार कामेश की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संपादक साधना न्यूज बिहार झारखंड कुंदन कृतज्ञ रांची से। कुंदन जी, जिस प्रकार की ये पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तो तय है कि आजकल के समय में एक लड़की भी इतनी शायद कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण इसे कहें कि उसे इतनी हिम्मत आई और उसने एक फैसला लिया, वो फैसला जो शायद थोड़ी देर के लिए उसके परिवार को या समाज उसे जरूर बोलेगा, लेकिन उसकी जिंदगी भर का ये एक फैसला बहुत अहम था और जो उसने लिया काबिले तारीफ। कुंदन जी, खुशबू देखिए, झारखंड का धनबाद जो इलाका है कई वजहों से सुर्खियों में हमेशा रहा करता है, और परसों रात की जो घटना है, जिस घटना की चर्चा हम कर रहे हैं और जिस घटना के संबंध में रिपोर्ट दिखाया है, इस घटना के बारे में जितनी हम चर्चा कर लें, इसकी जितनी तारीफ कर लें, वह अपने आप में कम होगी। समाज को इसने एक संदेश दिया है, इसने एक परिवार का संदेश दिया है और इसने महिला सशक्तिकरण की दिशा में समाज के बढ़ रहे कदम के बारे में संदेश दिया है। एक लड़की अपनी शादी की बारात को अपने दरवाजे से जयमाला के बाद लौटा देती है, उसके परिवार वाले उसके इस निर्णय का समर्थन करते हैं, उसके परिवार के इस निर्णय का पूरा समाज समर्थन करता है, और समर्थन ही नहीं करता है वरन वह प्रशासन का भी सहयोग लेता है। और लड़के के पिता और दूल्हा
दोनों को प्रशासन हिरासत में ले लेता है। इससे जितने आप स्वस्थ संदेश निकाल सकती हैं निकाल लें। यह लड़की की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि जिस लड़की ने शराब के खिलाफ बढ़कर यह फैसला लिया और उस फैसले को उसके परिवार वालों ने, उसके पिता ने, उसकी माता ने सहयोग दिया और उसके माता पिता के इस फैसले को उसके आस पड़ोस के लोगों ने सहयोग दिया। अभी हमने जो अपने दर्शकों को जो थाना प्रभारी की प्रतिक्रिया सुनाई, उस प्रतिक्रिया में थाना प्रभारी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जब गश्ती के दौरान उन्हें यह सूचना मिली कि किसी बारात, किसी शादी में कुछ व्यवधान हो रहा है, वहां पहुंचे तो उन्होंने भी उस लड़की के निर्णय का समर्थन करते हुए लड़के के पिता और लड़के को हिरासत में ले लिया। हालांकि उनके ऊपर मामला किसी तरीके से नहीं बनता है। अपनी शादी में शराब पीकर जाना कहीं से भी कोई क्राइम नहीं है। झारखंड में शराब पीना क्राइम नहीं है। अगर वह प्रशासन के लोग इस मामले में लड़की के निर्णय के साथ खड़े होकर लड़के के पिता और लड़के को हिरासत में लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी सहयोग लड़की के उस निर्णय के साथ जाता है। तो पूरी प्रक्रिया को अगर आप देख लें खुशबू, तो पूरी प्रक्रिया में सब लोग बधाई के पात्र हैं। सब लोगों ने उनसे जो अपेक्षित था वह अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर अपने कार्य को अंजाम दिया है और शुरुआत वह लड़की, उस लड़की ने की है जिसकी शादी की बारात जिस दरवाजे पर थी, जयमाला हो चुका था और शराब के विरोध में जाकर उसने यह अहम फैसला लिया। तो बधाई के पात्र सभी लोग हैं खुशबू जी, कुंदन जी, और बधाई के पात्र निश्चित तौर पर सभी लोग हैं। और जिस प्रकार से ये पूरी पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें एक बात ये भी आई है कि शराब पीकर जिस प्रकार से ये दूल्हा आया है और उसने इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, मतलब घटना नहीं, जिस प्रकार से उसने इस पूरे अपने ड्यूरेशन में अपनी करतूत दिखाई और जिस प्रकार से लड़की ने ये अहम फैसला लिया है, उसके बाद परिवार वालों का समर्थन और पुलिस वालों का समर्थन एक पॉजिटिव चीज तो दे ही रहा है, लेकिन जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है दूल्हे की भी और दूल्हे के पिता की भी, दूल्हे के पिता की गिरफ्तारी की क्या कुछ वजह निकल कर आ रही है कुंदन जी, ये थोड़ा समझ से परे है। देखिए, लिहाजा आपको बता दें कि शराब पीकर दूल्हा आया था। अब दूल्हे को गिरफ्तार किया गया है और चूंकि लड़की की मांग हो गई थी कि इस पूरे आयोजन में जो खर्च हुआ है उस आयोजन के खर्चे को दूल्हे के पिता लड़की के परिवार वालों को वापस कर दें, तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ पर अब बन रहा था। और जिस तरीके से आसपास के लोगों ने पूरे बाराती को और दूल्हे को और दूल्हे के पिता को बंधक बना लिया था, तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दूल्हे के पिता की लापरवाही सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, क्योंकि लड़की के परिजनों का यह आरोप है कि शादी तय करते समय इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था कि उनका बेटा शराब पीता है, तो ऐसे में दूल्हे के पिता को भी इस पूरे तमाम घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था और लड़की जो दुल्हन थी, जो दुल्हन के परिजन थे और जो आसपास के लोग थे, ये तमाम लोगों ने इसमें दूल्हे के पिता की भी भूमिका को नजरअंदाज नहीं करने की गुजारिश की और इसी के आधार पर फिर दूल्हे के पिता को भी हिरासत में लिया गया। खुशबू, मैं फिर आपको वही दोहरा रहा हूँ कि झारखंड में, चूंकि यह पुटकी थाना का मामला है धनबाद का और यह पूरा इलाका झारखंड के तहत आता है, झारखंड में शराब पीना अपराध नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अपनी शादी में शराब पीकर जाना कहीं से अपराध नहीं है। इसमें कानून कहीं से भी नहीं कहता कि आप अपनी शादी में शराब पीकर नहीं जा सकते, लेकिन इस शराब के विरोध में जो पूरी प्रक्रिया हुई है और जिस तरीके से तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया गया है और इसमें दूल्हा और दूल्हे को पिता को हिरासत में लिया गया है, तो यह तमाम चीजें यह बता रही हैं कि समाज में अब शराब के खिलाफ एक जागरूकता फैल रही है और आने वाले समय में वह समय दूर नहीं होगा जब शराब को सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें भी और भी रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए साथ।